इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अमेठी प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह, थाना शिव रतनगंज प्रभारी सर्विलांस सेल, थाना अध्यक्ष कमरोली में हमरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर सपा नेता के पुत्र की हत्या में प्रकाश में आए वांछित पांच अभियुक्त बृजेश पांडे उर्फ बृजेश शिवम, अमन सिंह, बृजेश सिंह शदाब को कार स्विफ्ट डिजायर में सवार हनुमानगंज चौराहे पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बृजेश पांडे उर्फ बृजेश की तलाशी से एक अदद अवैध पिस्टल व दो जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। पूछताछ में बताया कि इसी पिस्टल से मैं अपने साथियों शिवम सिंह, अमन सिंह, बृजेंद्र सिंह के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्त शदाब ने बताया कि दाऊद मियां ने मेरी बहन के साथ अभद्रता की थी, इसी बात को लेकर योजना बनाई गई थी, मैं उसकी हत्या करूंगा। दिनांक 27 मई सन 2020 को बृजेश पांडे उर्फ बृजेंद्र ने अपने मोबाइल से फोन करके इन्होंने चौराहे पर दाऊद मियां को बुलाया तथा शिवम सिंह, बृजेश पांडे उर्फ बृजेंद्र, अमन सिंह, बृजेंद्र सिंह, दाऊद मियां को कार स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बिठाकर थाना क्षेत्र मोहनगंज में एक बाग में ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बृजेश ने बताया कि मौके पर शादाब नहीं था। अमेठी से ब्यूरो चीफ वसीम की रिपोर्ट। सपा नेता के बेटे का शव मिला था, जिस मामले में अमेठी पुलिस खुलासा कर रही है, क्या है पूरा मामला? ये 27 तारीख को एक गुमशुदगी की सूचना मिली थी और थाना शिवरतनगंज में लाल मियां हैं, ये सपा के कार्यकर्ता हैं, उनके बेटे दाऊद की गुमशुदगी हुई थी। 28 तारीख को गुमशुदगी लिखी गई थी और तभी से पुलिस सक्रिय हो गई थी। उसमें उसके चलते दो तीन दिन बाद उसका मोहनगंज थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला था जिसकी शिनाख्त दाऊद के रूप में हुई थी और उसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना शिवरतनगंज में। आज उसी का वर्कआउट थाना शिवरतनगंज पुलिस और सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और इंस्पेक्टर कमरोली की टीम द्वारा किया गया है, जिसमें पांचों जो अभियुक्त हैं जो हत्या में शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें मुख्य कारण ये था कि जो दाऊद है वो शादाब की बहन के साथ 26 तारीख में उसने कुछ एक अभद्र व्यवहार किया था, उसी के चलते शादाब और एक बृजेंद्र पांडे हैं, दोनों लोगों ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि उसको मार डालना है। जो शादाब की बहन है उसके अंदर एक लव इंटरेस्ट था बृजेंद्र पांडे का और उसी इंटरेस्ट के चलते बृजेंद्र पांडे भी मोटिवेट हो गया कि इसमें दाऊद ने क्योंकि मेरे एक पोटेंशियल लव इंटरेस्ट के साथ मिसबिहेव किया है तो मैं भी उसको जान से मार दूंगा। ये प्लान करके 27 तारीख में बृजेंद्र पांडे ने दाऊद को बुलवाया और उसको बुलवा के अपने तीन दोस्त और हैं उसके, विजेंद्र सिंह भदौरिया, अमन और शिवम, इन तीनों के साथ मिलके उस मौके पर शादाब नहीं गया था, ये चारों लोग गए और इन चारों लोगों ने उसको मोहनगंज एरिया में ले जाके उसको पहले ड्रिंक करवाया और उसके बाद विजेंद्र पांडे ने अपनी पिस्टल से उसको क्लोज रेंज से उसको शूट करके उसको मार दिया। उसके बाद उसका फ़ोन विजेंद्र सिंह भदौरिया ने लिया और फ़ोन का जो एविडेंस है उसके साथ टैम्पर किया और अपने सभी लोगों के फ़ोन उन्होंने बंद कर लिए। 4 तारीख में हम लोगों ने इन पाँचों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जिसका मास्टरमाइंड शादाब और विजेंद्र पांडे थे और कारण यही रहा कि शादाब की बहन के साथ मिसबिहेव हुआ था। पाँचों लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।